हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंतराम पटेल। 3D क्रिएटिव इंडिया में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अलग ही बताने वाला हूं। आज हम वॉक थ्रू सेटअप कैसे किए जाते हैं ये चीज़ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ईजी तरीके से आप इसे सीख पाएंगे। दोस्तों, कैमरा सेटिंग कैसे करते हैं, वॉक थ्रू कैसे बनाएंगे, और वॉक थ्रू का जो इस्तेमाल कब और क्यों होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि वॉक थ्रू का इस्तेमाल कि एलिवेशन है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर का है, जिसका हम फुल व्यू देख सकें, इनर का और आउटर का, ये सारी चीज़ें देख सकें, इसके लिए वॉक थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप लोगों को आज बात पे अब ध्यान से देखिएगा। चलिए 3D Max की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये मेरा एलिवेशन है, इसका मेरे को आउटर का वॉक थ्रू बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप टॉप में जाइए और एक सर्कल ले लीजिए, SP लाइन एक सर्कल ले लीजिएगा। ये मैं सर्कल ले लिया, ठीक है दोस्तों। इसका इंस्पिरेशन है, इसको 15 कर दीजिएगा। ये मैंने सर्कल ले लिया, अब इसमें एक और सर्कल, इसी को क्या कर दो, कोन कर दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको रेडियस, इसकी रेडियस को कम कर दीजिएगा। ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, इसमें हम टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने ले लिया है, ये सर्कल ले लिया, आर्च ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों, ये आर्च ले लिया, अब हमको क्या करना है, एक टारगेट, एक कैमरा लेना है। कैमरा क्या लेना है, हमको टारगेट कैमरा लेना है। तो कैमरा में आप जाइए और टारगेट कैमरा बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, आप एनिमेशन में जाइए और ये कंस्टेंस में जाइए और पाथ कंस्टेंस में क्लिक कीजिए। ये आपको पाथवे के लिए आपको पिक करने के लिए बोल रहा है। तो हमको क्या करना है, जो टारगेट है उसको पिक करना है। तो आर्च 2 को हमको ना इसको पिक कर देंगे, ठीक है। अब फिर से एनिमेशन में जाइए और कंस्टेंस में फिर पाथवे कंस्टेंस ले लीजिए और फिर इसको हमारा ये कैमरा नंबर सेकेंड का इसमें आप क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप कर लीजिएगा। फिर अभी क्या है, ये टॉप लेवल में है, अब हमको क्या लेना है, आई लेवल में ले जाना है। तो आप फ्रंट में जाइए और आप इसको आर्च को और कैमरा को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको क्या कर दीजिए, आप आई लेवल में ले लीजिएगा। मैं, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, तो मैं लगभग 8 फीट के आसपास में मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। आप कैमरा एंगल में चलिए जाइए, कैमरा 2 है मेरा, कैमरा नंबर 2 है, चला के देखते हैं। ये इस तरीके से, ये प्ले मैंने कर दिया, ये इस तरीके से आप चारों तरफ अपने एलिवेशन के चारों तरफ इसको इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसको आप सेटिंग, इसका सेटिंग आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मैं यहां से स्टार्ट करता हूं शुरू से, ताकि आपका चला जाएगा। ये देख रहे, कैमरा टारगेट को फोकस कर रहा है, जिसमें हमने टारगेट दिया उसको फोकस करते हुए राउंड लगा रहा है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं आर्च में,
आज से मैंने जो रेडिड पॉलीगॉन ले लिया और इसमें मैंने क्या करते हैं, ये जो है ना इसको मैं कुछ इसमें एडिट कर देता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ, और इधर वाला पोर्शन है इसको क्या कर देता हूँ नीचे से। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा जो कैमरा है नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा। ये इसको डाउन से मैं जीरो लेवल से उठाऊंगा इस तरीके से, यहाँ से उठेगा और ये अपना ये कैमरा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठते होगा ऐसे। मैं क्या कर दूंगा, इसको पूरा उठा दूंगा, इसको ऐसा उठा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको भी हल्का से उठा दूँ, आप ऐसे उठा सकते हो। इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। इससे क्या है, आपका जो आप नीचे भी दिखा सकते हैं और ऊपर का भी दिखा सकते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। कैमरा को आप यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ से शुरू में ले लीजिएगा, आप कैमरा नंबर 2 में जाइए। ये मेरा कैमरा नंबर 2 है, मैं एनिमेशन प्ले को चेंज कर रहा हूँ। ये इस तरीके से देखिए, तो दोस्तों इस तरीके से मेरा कैमरा है वो फोकस कर रहा है और मेरा फ्रंट जो एलिवेशन है उसको पूरी तरह से ले रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और भी ऐसा इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं आगे पीछे। इसकी आर्च जो है रेडियस इसको आप बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छा से और हमारा व्यू दिखे। ये इस तरीके से ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप वॉक थ्रू सेटअप कर सकते हैं। कैमरा सेटिंग में आप जाके कैमरा का लेंस वगैरह है जिसे यहाँ पे कैमरा टारगेट में लगाए, कैमरा का लेंस पैरामीटर में जाके लेंस वगैरह क्या रखना है ना, कितना रखना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से 20 mm में भी आप रख सकते हैं, 15 mm में भी रख सकते हैं, अपने ऊपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप वॉक थ्रू तैयार कर सकते हैं। इसके टाइम कंप्यूटेशन को मैं 100 इसको 1000 कर देता हूँ। ओके 1000 कर दिया। अब मैं एक टारगेट कैमरा ले लेता हूँ, ये मैंने टारगेट कैमरा ले लिया। फिर टारगेट कैमरा में जाकर मैं एनिमेशन में कंसिस्टेंस में पाथ पे क्लिक किया और मेरा पाथ पे यहाँ पर है जो इस एक को पकड़ेंगे, फिर एनिमेशन में जाएंगे और ये मेरा टारगेट हो गया। और फिर से इस पोजीशन को आप क्लिक कीजिए और ये पाथ पे करके इसको भी कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्या है टारगेट कैमरा है वो देखो स्लो हो गया, बहुत स्लो जा रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं और ये आपका कैमरा हो जाएगा स्लो मोशन में काम करेगा, फास्ट नहीं करेगा। एक बार मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, कैमरा में जाइए और कैमरा 2 आती है, आती है क्लिक कर दीजिए।
ओके दोस्तों, थैंक यू। तो इस तरह तरीके से आप भी वॉक थ्रू बना सकते हैं दोस्तों, एनिमेशन बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और अगर नए हैं दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।